तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वीआर स्टॉक्स में, दिल से। तो दोस्तों, मुझे कमेंट आया था और वो जानना चाहते हैं इस शुगर स्टॉक के बारे में, जिसके बारे में बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं। इथेनॉल की न्यूज़ है, ये है, अलाना है, फलाना है, ठीक है। तो देखो भाई, अगर मेरा व्यू चाहते हो तो मैं एकदम क्लियर कट व्यू बताऊंगा, और मेरा व्यू दोनों तरफ का होने वाला है, ठीक है। दोनों तरफ का मतलब क्या होता है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो मार्केट में तो आपको अपना माइंड हमेशा दोनों तरफ के लिए ओपन रखना पड़ता है। जैसे आज इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपने करी होती आज, तो 2 बजे तो मार्केट एकदम शांत थी, नीचे की तरफ जा रही थी, सब स्टॉक में शॉर्ट मारो, पैसा कमाओ। लेकिन 2 बजने के बाद, 2:10 में जो यू टर्न मार्केट ने लिया, उसको बोलते हैं माइंड को ऐसा बनाओ कि आप जैसे मार्केट ऊपर तरफ जाए आप वहां पर भी अपनी पोजिशन बना सको। ऐसी होता है स्टॉक मार्केट में, जब आप किसी स्टॉक को बाय करते हो तो कभी भी उसकी तरफ, बाय की तरफ फोकस मत करोगे, बाय 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 बाय। अरे भाई, नीचे का डाउन साइड भी देखो, ठीक है। अगर कोई तुम्हें स्टोरी चेप रहा है कि स्टॉक बाय 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 है, तो समझ जाओ उसका अपना कुछ खुद का कुछ पर्सनल हित होगा उसमें, ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और लगातार आप लोगों को लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं सिंपली, देखो मुझे नहीं पता स्टॉक में क्या न्यूज चल रही है, आई डोंट केयर, मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ प्राइस एक्शन, ठीक है। कुछ पैटर्न को फॉलो करता हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं, तो वो पैटर्न को फॉलो कर लो स्टॉप लॉस के साथ। अगर वो पैटर्न बनता है दोबारा से तो बाय करो, नहीं बनता तो इग्नोर करो, ठीक है। तो सिंपल व्यू होने वाला है, अंत तक देखना, बिल्कुल लाइक करना, शेयर पक्का करना। और जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो ना, तो ये देखा करो कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे की जाती है, मंथली कैंडल क्या बोल रहा है। अगर मंथली कैंडल बाय के लिए बोला तब बाय करो, डेली कैंडल को देख के मत किया करो, डेली कैंडल में कुछ अलग किया जाता है, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं स्टॉक का नाम, लाइक पक्का करना अगर वीडियो अच्छा लगेगा, शेयर पक्का करना। और सिर्फ इसी स्टॉक के बारे में बात नहीं करूंगा, इसके बहुत सारे भाई बंधु हैं उनके ऊपर ही बात करेंगे, सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम विश्वराज शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड है। बहुत पुरानी कंपनी है, 1995 से काम कर रही है, ठीक है। आप देख सकते हो 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, चाहो तो आप इसको जाके स्टडी कर सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। बाकी वेबसाइट वैसे वर्किंग पे नहीं है अभी, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अभी हम बात करते हैं प्राइजेक्शन के बारे में। तो देखो, मंथ में जो स्टॉक में पैटर्न बना लगातार डाउनफॉल की तरफ है, स्टॉक ऑलमोस्ट 16% टूट चुका है, ठीक है। और 6 मंथ में स्टॉक ने 33% का डाउन साइड दिया है। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों बोल रहे हैं कि स्टॉक को बाय करो, जब चार्ट पैटर्न का नीचे गड्ढे में जा रहा है, तो कहाँ का बाय यार, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा चार्ट बाय करने वाला प्राइस, ठीक है। और जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बना बता रहा है कि गड्ढे में घुस रहा है, ठीक है। अगर चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा बनाता, एक रेंज बनाता, देखो जैसे ये रेंज बनी थी, ये रेंज यहाँ स्टॉक में बाय था एक, ठीक है, यहाँ स्टॉक में एग्जिट था, अब यहाँ कहाँ बाय होगा भाई, ये तो गड्ढे में घुस रहा सीधा, ठीक है। आपको क्या सिर्फ प्राइस एक्शन की समझ नहीं है? देखो ये स्टॉक तो आप बच्चे को बता दोगे तो बता देगा कि क्या हो रहा है स्टॉक में, ये लास्ट 6 महीने में स्टॉक में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो लोग क्यों बोल रहे हैं इसको बाय करने के लिए, मुझे समझ नहीं आता भाई, ठीक है। तो आपको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका प्राइस एक्शन देखो और उसका वॉल्यूम देखो। कंपनी प्रॉफिटेबल है आई नो, लेकिन बात को समझो, बात को समझो, ये स्टॉक अगले 2 साल तक यहीं टिका रहेगा, ठीक है। और आप पे पेशेंस भी नहीं होगी, और ये स्टॉक अगर 10 रुपये आपको मिलता है, तो क्या आप स्टॉक को एवरेज कर पाओगे दोबारा? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने खुद की एनालिसिस नहीं करी है, आपने किसी के कहने में बाय किया है, ठीक है ना। आपको स्टॉप लॉस पता है ना, ये पता है कि कहाँ एंट्री करनी है ना, ये पता है कि स्टॉक को एवरेज कहाँ करना है ना, ये पता है कि टारगेट क्या है, तो आपको कुछ नहीं पता है। आप क्या करोगे, इंपल्स में आके स्टॉक 10 रुपये आएगा तो आप एग्जिट कर लोगे, लेकिन लेकिन जो सच में अगर स्टॉक 100 रुपये चले जाएगा, तब आप देखते रहोगे, अरे यार ये स्टॉक मैंने ना 2022 में 10 में बाई किया था और मैंने लॉस में काट दिया था। तो कभी भी किसी स्टॉक को अगर बाय करो ना, तो आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब चीज के बारे में सोचना है, सब चीज कि भैया अगर ऐसे होगा तो क्या करूंगा। अगर नहीं सोचोगे ना, पहले से डिसीजन नहीं मेक करके रखोगे, तो मार्केट में जैसे ऑल ऑफ सडन गिरावट आएगी, जैसे अभी आ रही है, तो आप डिसीजन नहीं बना पाओगे, ठीक है। और कुछ डिसीजन शायद आपके लिए वो गलत साबित हो सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो हर चीज का पहले प्लान किया करो कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ठीक है। लिख लिया करो कॉपी पेन लेके कहीं भी, लेकिन करा करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिविडेंड यील्ड 1% का, कंपनी आपको डिविडेंड दे रही, काफी अच्छी बात है भाई, ठीक है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, प्लेज ओनली 1 रुपए की नहीं आता, तो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, नीचे लेके चलता हूँ। तो कंपनी अच्छे नंबर दे सकती है, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए कंपनी के नंबर, दिसंबर में 133 करोड़ की सेल्स हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 44 करोड़ का है,
और 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। भाई प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन दिसंबर 2020 से अगर कंपैरिजन करते हो तो उस समय 30 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बताओ मुझे अब प्रॉफिट अच्छे है बेकार है? सब बड़े जो एनालिसिस होते हैं ठीक है वो क्या बोलते हैं कि लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करो। तो भाई लोग कंपेरिजन कर ली, उस समय 30 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 29 करोड़ का प्रॉफिट है। तो मुझे लोग समझ नहीं आ रहा कि क्यों कह रहे हैं कि स्टॉक अच्छा है। आई डोंट नो, आप मुझे इसका आंसर दे सकते हो तो बताओ भाई। बाकी अब बात करते हैं कंपनी के ईयरली परफॉर्मेंस के बारे में। तो आप देख सकते हो कंपनी के जो सेल्स है 500 करोड़ की सेल्स हो चुकी है और प्रॉफिट 25 करोड़ का हो चुका है जो लास्ट ईयर 8 करोड़ का था। तो मतलब ईयरली तो कंपनी अच्छा कर रही है, साफ दिख रहा है। बाकी बैलेंस शीट की बात करते हैं तो डेट देखो 326 करोड़ का हो चुका है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। आप शेयरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले 35% थी सेप्टेम्बर 2019 में, आज 31% रह चुकी है, ठीक है। प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहे हैं 0.50% के आसपास। और ध्यान रखना, एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ठीक है, हो सकता है कि अगले क्वार्टर में, अगले 1-2 क्वार्टर में प्रमोटर्स ना ये होल्डिंग जो 31% आपको दिख रही है विश्वराज सुगर में, ये 31 की जगह ना 25% ना दिख जाए, ठीक है। जिस हिसाब से ये अपना माल बेच रहे हैं और जिस हिसाब से मुझे वॉल्यूम दिख रहा है चार्ट में, तब मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग आपको छह प्रेस स्टोरी ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि यहाँ तो प्रमोटर्स लगातार माल बेच रहे हैं, ठीक है। अगर स्टॉक 5-6 रुपये होता ना तो मैं तो खुद बोलता भाई करो, 5-6 रुपये है ही नहीं तो मैं क्यों बोलूँ। 20 रुपये, 5-6 रुपये बहुत फर्क है, 5 वाली चीज 20 रुपये हो गए, मतलब 4 गुना पैसा हो गया। अगर मैं गलत बोलूँ तो बताओ भाई, ठीक है। लेकिन 20 वाली चीज 5 पे आ जाएगी ना तो आपका पैसा डूबने वाला है, ठीक है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग देख सकते हो, इंडिविजुअल का पैसा लगा हुआ, ठीक है। तो मैं अपना व्यू शेयर कर देता हूँ, मेरे हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है, मैं 10 में देना चाहूंगा इसको मात्र 6 पॉइंट, ठीक है। बस प्रमोटर लगातार अपना माल बेच रहे, आई डोंट नो क्यों बेच रहे, ये तो आप लोगों को पता होगा, आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो। कि पर्सनली मैं स्टॉक को बाय नहीं करूंगा, ठीक है। नीचे किसी ने कमेंट किया था, मुझे लगा चलो एक वीडियो अपडेट दे देता हूँ क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरडे में काम कैसे चल रहा है। 25 लाख शेयर ट्रेड किए गए थे, 13 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 54% की डिलीवरी आज इंटरडे में उठाई गई है, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो देखो मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न खुला हुआ है, सीधा मंथली से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मंथली देखो 1M लिखा हुआ है, राइट। अब मंथली से मैंने क्यों स्टार्ट किया, उसका एक रीजन है, लुक एट द वॉल्यूम, ठीक है। जिनको अगर वॉल्यूम पढ़ना पढ़ना नहीं आता, तो वॉल्यूम सब कुछ है, मार्केट को ड्राइव क्या करता है, वॉल्यूम। और देख सकते हो आप मंथली में जो वॉल्यूम कैंडल बन रहा है, देखो इतना बड़ा वॉल्यूम मेला बना है 225 मिलियन का, ये हमें क्या संकेत देता है? रेड वॉल्यूम का मतलब समझते हो, ये स्टॉक घटिया स्टॉक है, ठीक है। घटिया स्टॉक तब तक है जब तक ये स्टॉक दोबारा से मंथली, देखो एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बेसिक स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर आप मंथली में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो क्या करोगे आप लोग, मंथली कैंडल खोल लो और जब तक ये स्टॉक दोबारा से मंथली कैंडल में, मंथली रेड कैंडल में, मंथली रेड कैंडल बता रहा हूँ आपको, मैं हरा नहीं बता रहा, रेड बता रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, तो आप यहाँ देख सकते हो मंथली कैंडल मैंने खोला हुआ, अब खुद देखो ये लोअर लोस का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रहा लोअर लोस का पैटर्न क्या होता है, बता देता हूँ। ये मंथली कैंडल खोला हुआ है, इसका लो देखो ब्रेक हुआ, इसका लो देखो ब्रेक हुआ, इसका लो देखो ब्रेक हुआ। तो भाई जब तक ये लोज के पैटर्न बना रहा है, लोअर लोज के, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि स्टॉक को बाय करो? आई डोंट नो कौन लोग को कह रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे पैटर्न में ना आपको स्टॉप लॉस समझ नहीं आता है, ठीक है। देखो ये स्टॉक लगातार यहाँ से नीचे जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, चैनल दिख जाएगा आपको, ये चैनल पूरा नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको यहाँ पर सेल ही करना चाहिए ना कि बाय करना चाहिए। अगर आप बाय, आपको बाय करना था स्टॉक को तो यहाँ करना था, देखो इस चैनल में, देखिए ये इसको बोलते हैं अपर अपर चैनल, अभी ये नीचे के चैनल में है, तो आपको फर्क समझना पड़ेगा। तो अभी स्टॉक को बाय नहीं करना, और एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, अगर यहाँ आपको जो वॉल्यूम दिख रहा है इतना बड़ा रहा, या हो सकता है कि प्रमोटर्स यहाँ पर माल हल्का ना कर रहे हो, पब्लिक को दे रहे हो, लो भाई ले लो, स्नॉल की स्टोरी है, समझ गए। तो ये सब चीजें भैया आपको बेका जा रहा है और आप ले रहे हो उसको, मत लो, रिसर्च करो, बेसिक रिसर्च करो यार, ठीक है। ये बेसिक रिसर्च है जो आपको मैंने बताई है, ठीक है। बाकी देखो जो स्टॉक मैंने भी आपको सजेस्ट किया, उसमें कुछ रीजंस है, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टॉक को बाय करो, स्टडी कर सकते तो करो, ठीक है, नहीं कर सकते मत करो भाई, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो राणा सुगर जैसे स्टॉक है, मैंने कभी आपको बताया नहीं, बता रहा हूँ चार्ट पैटर्न, ठीक है। देखो ये है अपर ट्रेंड का चैनल, ठीक है, ये देखो अपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है स्टॉक, और वॉल्यूम भी देख सकती हो, ठीक है। देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ अभी एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अभी ये जो रेंज है कहाँ टूटेगा, डेफिनेट नीचे की तरफ टूटेगा। कैसे टूटेगा, बहुत सिंपल है, लॉजिक देखो, लॉजिक लॉजिक समझो। ये जो रेंज थी देखो, यहाँ ये स्टॉक ऊपर गया, ये जो स्टॉक ऊपर गया ये तोड़ क्यों नहीं पाया? अगर इसको तोड़ना होता ना, ये वन शॉट में तोड़ देता, लेकिन नहीं तोड़ा ही, नीचे गिरा। तो ये अब एक रेंज में घूमने वाला है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, ले सकता है, गारंटी नहीं है लेगा, ठीक है। ऐसे कोई सेफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी है, एक रेंज में जा चुका है स्टॉक, ठीक है। तो सब चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बाकी कुछ और स्टॉक है, बजाज हिंदुस्तान शुगर देख लेते हैं,
ठीक है, उसके बारे में आप लगातार पूछते रहते हो। तो देखो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा चुका है, यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए भैया। मंथली में अच्छा कैंडल बन रहा है, ठीक है, ऊपर ये रजिस्टर लेके आया मेरा, ठीक है, स्टॉक में आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। सेम रजिस्टर लेके आया है, ये सपोर्ट है, जैसे स्टॉक 12 रुपये तोड़ेगा स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिलेगी 8 रुपये तक। तो अगर स्टॉक आपको बजाज हिंदुस्तान सुगर द्वारा 8 रुपये मिलता है तो आप ग्रैब कर सकते हो। बाकी अगर आपको पूरा सुगर सेक्टर के स्टॉक के रिसर्च चाहिए, मतलब प्राइस एक्शन चाहिए, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं प्राइस एक्शन लेके आ जाऊंगा। बाकी वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।